रियासत भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान का यहाँ मकबरा है और यही सोफिया मस्जिद है जो तारीख़ी मस्जिद है। भोपाल उन इलाकों में शामिल है जहाँ पर मुसलमानों ने हुकूमत की। कभी मुग़लों की बादशाहत के ज़माने में ये नवाबों का गढ़ था, फिर मराठा के ज़ेर इंतज़ाम रहा, फिर जब अंग्रेज़ आ गए तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी लेकिन रियासत भोपाल पर नवाबों की ही हुकूमत थी। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में तो इसको भी हिंदुस्तान के साथ जम किया गया, मिलाया गया और इस तरह 1949 में रियासत भोपाल भी इंडिया का हिस्सा बन गया। और नवाब हमीदुल्ला खान उस वक्त के आखिरी नवाब थे, यहाँ के हुक्मरानों का जो टाइटल था नवाब ही था। तो उनका मकबरा है और सोफिया मस्जिद है जो काफ़ी खूबसूरत है। अभी मैं वहाँ भी गया था, जो फाउंडर हैं रियासत भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान नवाब बहादुर, तो उनका भी मकबरा इतना शानदार नहीं जितना इनका है। इन्होंने शानदार हॉस्पिटल बनाया, हमीदिया हॉस्पिटल जो अभी तक मौजूद है, और इनके कई सारे अहम कारनामे हैं। नवाब सैफ अली खान जो बड़े मशहूर एक्टर हैं, वो भी नवाबी ख़ानदान से आते हैं और उनका सिलसिला भी यहीं से कटता है। शर्मिला टैगोर का सिलसिला भी इसी ख़ानदान से जुड़ता है और अभी ख़ानदान मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है। कुछ लोग दुनिया के बाहर मुल्कों में रहते हैं, कुछ यहाँ हैं। आखिर दौर में कुछ ख़वातीन ने भी इसके इंतज़ाम को संभाला था। 1995 के आसपास में साजदा बेगम नाम की एक खातून थी जिनको नवाब का दर्जा हासिल था, लेकिन ये सब अनऑफिशियल था। जिम्मेदारी या असल जोहदा था वो 1949 तक ही। तो ज़रा साइए अंदर, हम मस्जिद को दिखाते हैं आपको, कैसी तारीख है, क्या है और नज़ारा खूबसूरत है। बराए मेहरबानी जूते चप्पल गेट के बाहर उतारे। इसमें मदरसा भी है, बच्चे पढ़ते मदरसा तालीमुल इस्लाम अहमदाबाद ज़ेर निगरानी। अच्छा, इस एरिया का नाम अहमदाबाद है? जी अहमदाबाद। माशाल्लाह। यहाँ आपको सबका मिलेगा। अच्छा, ज़्यादातर जो नवाब हैं उनका मकबरा यही है? तो रियासत भोपाल के जो नवाब हैं उन सब में से ज़्यादातर का मकबरा यही है और उनकी पूरी कब्रिस्तान है। रियासत भोपाल के जो नवाब थे उनकी खसूसियत यह है कि लोग बड़े दीनी मिजाज होते थे, अच्छी फिक्र रखते थे और दीन के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है। हालांकि इनकी तारीख बहुत कम बताई जाती है, बहुत कम इनका जिक्र आता है। ये जो मकबरा है अलहाजा प्रिंसेस सालिहा सुल्तान का, ये 1308 हिजरी नवाब बशीर यार जंग की अहलिया मोहतरमा थी, उनका मकबरा है। ये मकबरा किन का, ज़रा सा देखते हैं हम। ये डमर ताज जुल्हन, ये भी किसी बेगम का मकबरा है। उधर एक मकबरा है नवाब भोपाल का। इधर हज़रत कुदसी मौलवी ज़ियाउद्दीन साहब फ़ारूक़ी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल्लैस रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा मौलाना शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उनसे सिलसिला जुड़ता है और उनका ये मकबरा है। और ये मेरे ख़्याल में एक तारीख़ी मकबरा लग रहा है। इधर औलिया हज़रत नवाब सुल्तान जहाँ बेगम साहिबा ताज हिंद, ये बहुत अहम बेगम नवाब रही है, उनका मकबरा है। और मेरे ख़्याल में शायद इन्होंने ही ताजुल मसाजिद की तामीर मुकम्मल कराई थी, बेटी है शाहजहाँ बेगम की है। बिल्कुल। और ये पूरा इलाका है, ख़ूबसूरत जगह है, इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा है, अच्छी तरह इसको बनाया गया है। और ये पूरी तारीख़ में आपसे शेयर करना चाह रहा था। और ये जो मकबरा है, रियासत भोपाल के जो आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान जिनका मैंने तस्करा किया, यही उनकी कब्र है और बाकी दूसरे नवाबों की यहाँ कब्र है। और इनका भी तारीख़ में बड़ा नाम है, कई अहम इनके कारनामे हैं और वो यहाँ आराम फरमा है। अल्लाह इनकी कब्र को नूर से मनवर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम लोग ज़रा फातिहा पढ़ते हैं।